कचायकोट सीट से मुकाबला है पप्पू पांडे का और काली पांडे का। पप्पू पांडे यानी अमरेंद्र पांडे यहां से लगातार विधायक रहे हैं, जनता में पकड़ है, लेकिन कई ऐसे आरोप हैं, आक्षेप हैं जिन पे अक्सर विपक्षी जवाब मांगते रहते हैं। सर, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बाहुबली हैं, आपके ऊपर 18 केसेस रहे हैं, जनता आपसे डरती है, इस पे आप क्या सफाई देंगे जो विपक्ष का आरोप लगता है? जी बताइए कि अगर आरोप मेरे ऊपर रहता तो हम चुनाव लड़ते, वो आरोप मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब आप लोग दिखाते हैं टीवी में, अभी तो हमको भी नहीं पता लगता है कि भाई अब किस कोर्ट में है और किस थाना में है, हम भी पता करते हैं। ऐसे चुनाव में आचार संहिता वगैरह का केस मेरे ऊपर हुआ था, आरोप लगता है लेकिन उसका जांच होती है और जांच में तो कहीं से हम दोषी नहीं पाए जाते हैं। और जहां तक मुकाबला की बात है तो देखिए भाई, ये कर्म भूमि है और मैंने 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने यहां से जा रहा हूं। इसके पहले भी हमारे विपक्षी लड़ चुके हैं और लोग लड़ते हैं, हमेशा लोग लड़ते हैं, लेकिन मैं अपने नेता की बात करता हूँ और अपनी जनता के बारे में 24 घंटा सोचता हूँ और बस यही हमारा काम है, गरीबों के साथ रहना। लेकिन सर, एक रॉबिनहुड वाली छवि आपकी बनाने की कोशिश होती है, लेकिन मामला तो ये भी है ना कि अभी आपके भाई साहब भी जेल गए और 18 केसेस कहते हैं कि आपके ऊपर है, रंगदारी भी उसमें इन्वॉल्व है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, आरोप लगाना तो भाई सबका अपना अधिकार है, किसी पर कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप के बाद जांच होती है ना, जांच होता है, उसका एजेंसी है, CID है, CBI है, अनेकों तरह की बिहार सरकार के पास जांच है, उससे जांच हुआ और जांच में हमने कहीं दोषी नहीं पाया गया। सर, सड़कें खराब हैं, आप काफी सालों से यहाँ पे हैं, अभी हम लोग जितने भी दूर आए बहुत मुश्किलात हुई हमें, बहुत दिक्कत से आने को मिला, क्यों आखिर विकास उस तरह से पहुंचा क्यों नहीं अगर आप इतने सालों से यहाँ पे हैं तो? ना देखिए, अभी तो बरसात हुआ है, हमको लगता है कि 15-20 साल पे इतना पानी कभी नहीं हुआ था, जो इस बार पानी हुआ है, बहुत ज्यादा बरसात हुआ। और जितने हमारे यहाँ, केवल आप मेरे क्षेत्र का मत देखिए, इस बिहार में कहीं आपको रोड टूटा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बरसात की वजह से सब टूट गया है। और चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव का फिर हमारे यहाँ रोड चकाचक हो जाएगा सब। पहले तो बिजली भी नहीं था यहाँ, कुछ नहीं था इस बिहार में, कुछ नहीं था, कुचायकोट को तो हटा दीजिए, पूरे बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार को जो सौगात दिया, हमको नहीं लगता है कि 28-29 को स्टेट इतना बढ़िया कोई स्टेट आज के डेट में होगा। रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, हर मामले में हम लोग आगे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, अभी हमने काली पांडे से बात की, उनका कहना है कि आपके ऊपर मामले साबित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ है, इस पे आप क्या कहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ऊपर मुख्यमंत्री जी का हाथ है, हमारे नेता कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर अगर आरोप लगता तो निश्चित हम जेल जाते। अगर मेरे भाई के ऊपर, मेरे भतीजा के ऊपर लगा तो कस्टडी में वो लोग नहीं है, अब न्यायालय से बेल होगा, बेल होने के बाद वो लोग घर आएंगे, उसकी भी जांच हुई। जिस समय घटना हुआ था उस समय हमारे भाई और भतीजा सब लोग सीसी कैमरा में है, वहाँ अपने घर पे बैठे थे, तो एलिगेशन लगा दिया गया। ऐसा थोड़े कि हम लोग नरसंहार और मारने जाएंगे, हमारे घर से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी है, वहां से जो हमारा पेट्रोल पंप है वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है, और घटना के समय में हम लोग अपने घर पे बैठे थे। अब उन लोगों के दिमाग में एकाएक क्या है, रविवार की घटना, 24 तारीख घटना होती है और 25 को FIR होता है, और वह FIR गोपालगंज में नहीं होता, वह FIR जाकर पटना में होता है, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया। हम लोग भी जब घटना हुआ तो सोच रहे थे भाई ये कैसा घटना हो गया, इसमें क्या हुआ क्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट डे में हम लोगों के ऊपर FIR हो गया, उसमें हमारे भाई और भतीजा का अरेस्टिंग भी हुआ, उसमें भी हम बोले थे कि भाई हमको अपने नेता पे विश्वास है और भगवान पे विश्वास है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक विधायक की सिक्योरिटी जितनी होती है उससे ज्यादा सिक्योरिटी में देख रहे हैं, आप पर्सनल भी गनर वगैरह रखे हुए हैं, क्या कारण है सर? सुरक्षा व्यवस्था हमारा शौक भी है, हमारे रिश्तेदार लोगों का अपना लाइसेंसी हथियार, हम शुरू से चलते हैं, कोई नई बात तो नहीं है कि हम विधायक बने हैं तब से चले हैं, हम शुरू से अपना जो भी लाइसेंसी हथियार उसको लेके चलते हैं, उसके अलावा भी हमारे सरकारी गार्ड है हमारे पास। सर, आप अपने आप को बाहुबली नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए हम बाहुबली जरूर हैं, लेकिन जनता के बाहुबली हैं। मैं गोली चलाने वाला और बंदूक चलाने वाला बाहुबली नहीं हूँ, मैं जनता का बाहुबली हूँ, मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहता हूँ, हमेशा उसके सुख दुख को बांटने का काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि अब चुनाव आया है तो मैं आया हूँ, चुनाव के बाद नहीं आऊंगा, मेरा असली लड़ाई चुनाव के बाद शुरू होती है। बाकी लोग 4 साल 10 महीना कोई दिखाई नहीं देता है, मात्र लोग 2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन मैं 4 साल 10 महीना अपने जनता के बीच में रहता हूं और हर समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप पूछ लीजिए किसी से, मेरे ऊपर कोई अगर जातिगत कोई एलिगेशन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग कह दे कि नहीं विधायक जी हम यादव हैं तो हमको नहीं मानते हैं, हम पंडित जी हैं तो नहीं, हम तो सबको मानते हैं, जो मेरे दरवाजे पर जाता है हम किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं, जो ही मेरे से बनता है उसको हम करने का काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल कि इस बार चुनाव में आप इतने सालों से यहाँ पे हैं,
जनता इस बार आपको क्यों वोट देगी? अभी तो जनता बताएगी मुझे क्यों वोट देगी और मेरे विपक्षी को क्यों वोट देगी। उसको तो विकास पे वोट देना है, काम पे वोट देना है। जिसको उस समझती होगी कहाँ इनको वोट देना उचित है तो उसको वोट देगी। इसमें जबरदस्त लगता है आपने अपना 100% दिया है जनता को, विकास किया आपने इतना कि जनता आपको खुशी खुशी वोट देगी, डर में नहीं, खुशी खुशी एकदम खुशी से वोट देगी हमको। हमको भगवान पे विश्वास है। मैंने जो कर्म किया है वो बिहार नहीं पूरे भारत में कोई नहीं किया होगा अपने जनता के लिए। आज तक लोगों ने नेताओं का सम्मान सम्मान करते थे, अधिकारियों का सम्मान होता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक आया कि आज तक जो जनता मुझे चौथी बार विधानसभा भेजने का काम किया तो मैंने अब उसका सम्मान हम आज तक नहीं किए। तो वही हम सम्मान समारोह करते हैं, उसमें हर लोगों को बुलाते हैं, बच्चे बच्चियां हर लोग आते हैं मेरे यहाँ, भोजन कराते हैं, उसको साल देकर के सम्मानित करते हैं। यही मेरा काम है, 24 घंटा अपने जनता के बीच में रहते हैं। बेटियों का शादी कराना, चालीसा कराना, काम कजिया कराना, इसी हम 24 घंटा इसी में लगे रहते हैं। तो आपने सुना अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को, जो कि बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ बोलते हुए नजर आए कि जहां तक बात है टूटी हुई सड़कों की तो वो बाढ़ की वजह से है, और ऐसा सिर्फ किसी एक इलाके में, ऐसा नहीं है कि इसी इलाके में है, बिहार के बाकी इलाकों में भी बाढ़ की वजह से सड़क टूट जाती है। और जहां तक बात है अपराध की तो कुछ भी साबित हुआ नहीं है, ऐसे कोई आरोप नहीं है जिसपे कि आक्षेप लगाया जा सके। और जहां तक बात है जनता की तो जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी, और नीतीश कुमार ने क्योंकि बिहार में विकास किया है इसलिए जनता इन्हें वोट करेगी, जीत जदयू की होगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदक शांडिल, एबीपी न्यूज, गोपालगंज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।